अबू काकी बकरी, इस सबक में पिछले हिस्से में पढ़े हमने कि किस तरह से चांदनी नाम की जो बकरी थी वो अपनी पूरी कुव्वत लगाकर खिड़की से भाग जाती है और पहाड़ों की तरफ जाती है। इसके आगे का हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। डोंगर धनु दोनी हाथ पसरून तिचे स्वागत करत होता, मोकड़ा थंडगार वारा तिला कुरवड़त होता, इते चार विनती नाही कुंपन नाही दोराचे बंधन नाही नजरेचा पारा नाही सारे कसे मुक्त मोकळे आनंदी मनाला हवेसे वाटत असते तसे चांदनी त्या वातावरणात हरून गेली। हमने देखा कि किस तरह से चांदनी जब वहां से बाहर आती है खुली हवा के अंदर तो जैसे पहाड़ उसका इस्तकबाल करता है, हा? हवा उसका इस्तेमाल करती है, वहां पर कोई चार दीवारी नहीं, कोई कंपाउंड नहीं, किसी रस्सी की बंधन नहीं, उसके ऊपर पाबंदी नहीं, किसी का उसके ऊपर पहरा नहीं, सब पूरी तरीके से अब वो आजाद थी, खुली हवा में अपनी सांस ले रही थी, खुशी मना रही थी, वहां से आगे बढ़कर वो जो है अपने आप नाच रही थी, खेल रही थी, गा रही थी। दुपार झाली मेंढ्या बकऱ्यांचे कळप आले गेले मेंढपाळाने हाकलत नेले, दोपहर का वक्त हुआ कुछ बकरिया आए मेंढिया आए और चराहा ने उन्हें साथ लेकर चले गया। चांदनीला असा कुठलंच कळप व बंधन आता नको होता, हा मोकळेपणास तिला लाख मुलाचा होता। चांदनी को अब इस तरह से किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं, उसे पूरी खुली हवा में आजादी चाहिए थी। हड़ुहड़ू अंधार पड़ू लागला, दरीतून अबू खाची तिला बोलवणारी शेड आली, धीरे धीरे वहां पर अंधेरा छाने लगा। अबू खा अपनी बकरी को, उस प्यारी चांदनी बकरी को आवाज लगाने लगा, चांदनी ने तो मोह टाळला, रात्र झाली झुडपातून गुर्र गुर आवाज गुर गुर आवाज पुन्हा पुन्हा आला, दोन कुंची डोळे चका चकाकू लागले। धीरे धीरे जब रात हुई उस रात के अंधेरे में जो है वहां पर फिर से जो है आवाज आ रहा है, आजू बाजू से झाड़ियों में से आवाज आ रहा है, वहां से दो लाल रंग की आंखें चमकने लगी। चांदनीला लांडग्याचे स्मरण झाले, वहां पर चांदनी को याद आया कि यहाँ पर एक क्रूर भेड़िया है, त्याच्याची प्राणपणाने धुऊन देत आपला जीव गमावणाऱ्या बकऱ्यांच्या कथा आठवल्या और उसको फिर पुरानी कहानियां उन बकरियों की कहानी याद आने लगी कि किस तरह से उन बकरियों ने अपनी जान गवाई। अपन बेकर नहीं शूर आओ, चांदनी को लगने लगा कि हम कमजोर नहीं हम बहादुर है, आपल्यात ही बड़ आए और मुझ में कुवत आए शिंगे आए और बताती है कि मुझ में ताकत है कुवत है मुझ में सिंह है उन्हें लड़ने के लिए। जून जैला हवी जय पराजय काय होईल ते हो सर्वस्व पणाला लाऊ असे तिने ठरवले। उसने कहा हार जीत जो होगा देखा जाएगा लेकिन मैं उससे लड़ूंगी पूरी कुवत से लड़ूंगी ऐसा वो तय करती है। लांडगा जड़प घाय घालय लाला, चांदनी समोरा गेली तिचा त्वेष व धैर्य पाता ती वाघिणच दिसू लागली, दोघांची लढत लागली ती खूप वेळ चालली, रात्र सरत होती। आता लांडगा वहां पर, लांडगा यानी कौन, एक भेड़िया जो क्रूर भेड़िया था वो वहां पर आया। चांदनी और भेड़िया दोनों आमने सामने आने के बाद चांदनी तो ऐसी लग रही थी जैसे एक शेरनी, दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और वो लड़ाई बहुत देर तक चलने लगी। धीरे धीरे रात खत्म हो रही है, चांदनी सूर्योदयाचे वाट पाहू लागली, शेवटी कोमळा आवरला, चांदनी ज्योती वो कब सुबह होगी कब दिन निकलेगा। इतने में मुर्गा बांग लगाता है, चांदनी रक्त बम्बाड़ होन पड़ी, जो चांदनी थी वो पूरी तरह से खून में लथपथ पड़ी हुई है। झाड़ावरील पक्षी सारे पहात होते, जो दरख्त के ऊपर बैठे हुए परिंदे ये पूरा मंजर देख रहे थे। त्यांच्या चर्चा सुरू झाली, उनमें आपस में बहस होने लगी,
कोण जिंकले बहुतेकांना लांडगा जिंकला असे वाटले. एक शहाणा पक्षी म्हणाला नाही ही जून चांदनीने जिंकली. वो उसमें से एक जो होशियार परिंदा था वो कहता है कि नहीं ये लड़ाई इस चांदनी ने जीती, चांदनी की जीत हुई.